के लिए, और हम इतने बड़े हैं, हम भी आ रहे हैं यहाँ पे, हम तो 60+ है, आ रहे हैं यहाँ पे। आप लोग भी जल्दी से जल्दी JJN को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इवेंट और लोकल की सारी खबरें आप इसको मिले। और JJN न्यूज़ चैनल बहुत ही अच्छा काम कर रहा है उत्तराखंड में, मेरे ख्याल से इट इज़ द बेस्ट न्यूज़ चैनल। बस हम डेट्स का वेट कर रहे हैं कि बस 6 तारीख आए और हम लोग जलवा दिखाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूँ निशा। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के एक निजी बैंकट हॉल में, जहाँ पर ढोलिया इवेंट को लेकर आज एक वर्कशॉप यहाँ पे लगाई गई है। आपको बता दें कि आज यहाँ पे महिलाएं जो है काफ़ी एक्साइटेड यहाँ पे नज़र आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह महिलाएं डांस कर अपना जो उत्साह है वो यहाँ पे दिखा रही हैं। ढोलिया इवेंट हल्द्वानी में हो रहा है हर साल की तरह, इस साल भी इसको खास बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है दिखाने के लिए ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं। महिलाओं से बात करेंगे, ऑर्गेनाइजर से बात करेंगे, जानेंगे कितने उत्साहित आज की वर्कशॉप को लेकर ये थे और ढोलिया इवेंट को लेकर क्या कुछ ये लोग कहना चाहते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आपको भी दिखाते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम सुरभि शर्मा। मैम, जिस तरह से ढोलिया इवेंट आप लोगों की ओर से ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, कुछ ही दिन बचे हैं ढोलिया इवेंट में, तैयारियां हम देख रहे हैं कि बहुत जोर शोर से चल रही है, आज क्या कुछ खास है? आज ढोलिया का ये 3rd वर्कशॉप है जो सुजाता महेश्वरी मैम दे रही हैं, और लोग आप देख ही रहे हैं, लेडीज़ ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है और इतना जोश है इस ढोलिया 2024 का जो अभी तक मैंने खुद नहीं फील किया था, जबकि मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ तब भी। तो आप इतने सालों से ये ढोलिया जो है वो करा रहे हैं, इस बार क्या कुछ अलग देखने को मिल रहा है? जो महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हमें नज़र आ रही हैं। इस बार थोड़े हम लोगों ने प्राइस कैटेगरीज जो हैं वो बढ़ा दी गई है। एक JJN दीवा बन रही है जो कि स्पॉन्सर्ड बाई है JJN न्यूज़, और उसके अलावा एक नई एज ग्रुप के जो 45+ लेडीज़ हैं उनके लिए जमकुड़ी है। तो मेरे ख्याल से हर कैटेगरी की लेडीज़ और बच्चों के लिए प्राइजेज हैं, तो उसी वजह से सारा जो माहौल बना हुआ है या अंदर ये वही है। चलिए मैम, JJN के बारे में आप क्या बोलेंगे? JJN के बारे में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हल्द्वानी की छोटी से छोटी खबर और बड़ी से बड़ी खबर के लिए आप JJN से कनेक्टेड रहिए, क्योंकि JJN हल्द्वानी का सबसे लोकप्रिय चैनल है और मैं इसकी खुद सबसे बड़ी गवाह हूँ, क्योंकि मैं भी हर न्यूज़ मेरे मोबाइल में सबसे पहले फ्लैश होती है क्योंकि मैंने उसे सब्सक्राइब किया हुआ है। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी JJN को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको छोटी से बड़ी इवेंट और लोकल की सारी खबरें आप इसको मिल सकती हैं। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? विभा शर्मा। मैम, जिस तरह से ढोलिया इवेंट नज़दीक है, आज वर्कशॉप यहाँ पे की गई है, महिलाएं काफ़ी उत्साहित यहाँ पे नज़र आई, क्या वर्कशॉप थी और किस तरह से पूरा ऑर्गेनाइज किया? जैसा कि वैसे तो सबको हल्द्वानी में पता ही है कि ढोलिया कार्यक्रम पिछले 3-4 सालों से हो रहा है, और ग्लो एंड ग्लिटर में मैं विभा शर्मा, सुरभि शर्मा ये कार्यक्रम कराते हैं। तो ढोलिया कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट है उनके लिए 3-डे वर्कशॉप बाई सुजाता नृत्यालय, सुजाता माहेश्वरी के द्वारा दिया गया था, और आज हम काफ़ी ज़्यादा क्राउड थी, लगभग 70-80 महिलाएँ एक साथ आई थी, बारिश के कारण कुछ नहीं भी आ पाई, लेकिन इट वॉज़ सो एनर्जेटिक एंड सो इन्जॉइंग, पीपल आर इन्जॉइंग टुगेदर, यू नो, टू डांस ऑन द गरबा बीट्स। मैम, जिस तरह से ढोलिया इवेंट कब होने वाला है, कहाँ होगा, इसके बारे में डिटेल दीजिए, क्या कुछ खास होगा? 6 अक्टूबर को शाम 4 बजे से सुंदरम होटल में ढोलिया कार्यक्रम है। लगभग 300 वुमेन आर ऑलरेडी हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, एंड अभी भी हमारे पास रजिस्ट्रेशन कॉल्स आने में हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है सबका रिस्पांस देख के। लास्ट सवाल लूँगी मैम, JJN के बारे में क्या बोलें? JJN देखिए, हल्द्वानी में JJN का नाम सभी जानते हैं। JJN ग्राउंड से जुड़ी हर खबर हम तक पहुंचाता है, समय पे पहुंचाता है, चाहे वो छोटी से छोटी खबर हो या बड़ी से बड़ी खबर हो, JJN के द्वारा हमें ये सब टाइम टू टाइम मिलता रहता है। और JJN खासकर करुणा पाल जी और विजय पाल जी हमसे भी काफ़ी जुड़े हुए हैं, बहुत ही हम्बल लोग हैं, मतलब वो लोग जिनके साथ भी जुड़ते हैं शायद लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है। और JJN न्यूज़ चैनल बहुत ही अच्छा काम कर रहा है उत्तराखंड में, मेरे ख्याल से इट इज़ द बेस्ट न्यूज़ चैनल। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? अलका शर्मा। मैम, जिस तरह से ढोलिया इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है, एक्साइटेड वुमेन्स हमें यहाँ पे बहुत सारी दिख रही हैं, आप कितने एक्साइटेड हैं और कितना मज़ा इस वर्कशॉप में हो रहा है? एक्चुअली एक्साइटमेंट भी बहुत है और मज़ा भी बहुत आ रहा है, थॉरली हम तो इन्जॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, और लेडीज़ के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि सब आके हंस बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं डांस में। आज वर्कशॉप में सिर्फ डांस है या और कुछ भी है? डांस के साथ धमाल मस्ती सब है, सुजाता आंटी बहुत अच्छा सिखा रही है, शी इज़ द बेस्ट।
उनके वजह से हम लोग को बहुत अच्छे स्टेप्स भी गरबा के सीखने को मिल रहे हैं, हमारा डबल डबल फायदा हो रहा है। आप महिलाओं को इस तरह एंजॉय करते हुए कभी देखा नहीं जाता है, इस तरह के इवेंट अगर हो तो महिलाएं घर से बाहर आकर कितना और एंजॉय करेंगी। नहीं, ये बहुत अच्छा हो रहा है सबके लिए, लेडीज के लिए, हमारी एज ग्रुप के लिए, हमारी बड़ी एज ग्रुप के लिए भी, सबके लिए। नवरात्रों में सब एंजॉय कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। और इनकी एज ग्रुप के लिए, और हम इतने बड़े हैं, हम भी आ रहे हैं यहाँ पे, हम तो 60+ है आ रहे हैं यहाँ पे। सबसे अच्छा, पहली बार आप वर्कशॉप में आए हैं? मैं पहली बार वर्कशॉप में आई हूँ। कैसा लग रहा है? रात हो गई है और उसके बावजूद भी घर जाने की चिंता है? रात दिख नहीं रही, अंदर हॉल में धमाका हो रहा है, रात पता नहीं लग रही है, रात हो गई है, तो हम तो इंजॉय कर रहे हैं अभी। आप चलिए मैम, जिस तरह से ढोलीरा इवेंट के स्पॉन्सर जेजेएन न्यूज है, जेजेएन के बारे में आप क्या बोलेंगे? जेजेएन तो हमेशा से ही कवरेज करता है, और वो ढोलीरा हो या कुछ भी हो, एग्जीबिशन हो, सब बहुत अच्छे से करता है। सारे एंकर जेजेएन के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से सब कवरेज करते हैं, चाहे कोई भी न्यूज हो। चलिए मैम, आप क्या बोलेंगे? ढोलीरा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आप लोग तो बहुत अच्छी कवरेज देते हैं, मैंने इनके पहले भी प्रोग्राम की देखी है, और ऐसे ही करते रहिए, सबको अवेयर कराती रहिए क्या चल रहा है शहर में। थैंक यू। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम अंजलि तिवारी। मैम, आज वर्कशॉप अटेंड करके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा वर्कशॉप था, काफ़ी इन्जॉय करवाया सुजाता मैम ने, मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, और लोगों से मिलना भी हुआ, अच्छा लगा। इवेंट को लेकर सारी तैयारियां कर ली आपने, ड्रेस कॉस्ट्यूम? हाँ जी, कर ली हैं सारी तैयारियां, और मन तो यही है कि अच्छी दिखूँ और सब में अलग दिखूँ, बट देखती हूँ क्या हो सकता है। हर साल ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जाता है, महिलाओं के लिए आप क्या चाहती हैं कि साल में कितनी बार इस तरह के इवेंट होने चाहिए? महिलाओं के लिए एंटरटेनमेंट का और कोई इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, तो मुझे लगता है कि होना चाहिए, हर 2-3 महीने में एक इवेंट ऐसा होना चाहिए, और सबको मज़ा आना चाहिए, सबको एंजॉय करना चाहिए, ऐसी चीज़ें होते रहनी चाहिए, टाइम पास होता है ऐसी चीज़ों से भी। लगभग 2-2.5 घंटे आप लोगों ने आज यहाँ पे डांस किया है, थकान हुई? नहीं, थकान डांस में कैसी थकान, डांस में थकान नहीं होती। ऐसा लगा कि जल्दी ख़त्म हो गया? नहीं, हाँ लगा, ऐसा लगा कि जल्दी ख़त्म हो गया, क्योंकि डांस एक एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट अगर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए तो लगता ही है, बट अच्छा था, बहुत अच्छा था। चलिए मैम, हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं उनको जेजेएन के बारे में क्या कहना चाहिए? जेजेएन न्यूज़ आई थिंक उत्तराखंड का बेस्ट न्यूज़ है, न्यूज़ चैनल है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आपका नाम? ललिता भट्ट। मैम, जिस तरह से वर्कशॉप आज यहाँ पे हुई, महिलाओं ने 2-2.5 घंटे से लगातार यहाँ पे डांस करा, कितना मज़ा आप लोग को आया? मैम बहुत मज़ा आया, और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम ऐसे किसी इवेंट में हल्द्वानी में आज अटेंड कर रहे हैं, और थैंकफुल टू देम कि इन्होंने वर्कशॉप भी रखी है, और हल्द्वानी में ऐसा एक्सपीरियंस हमको पहली बार मिला है, तो हम लोग सारी कुछ 5-6 लेडीज़ हैं जो वर्किंग वुमेन हैं, और आज हम सारा अपना काम छोड़ के आज इस वर्कशॉप के लिए आए हैं, और लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस इवेंट, और हम बहुत एक्साइटेड हैं। ढोलीरा इवेंट जल्द होने वाला है, उसके लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं? बहुत एक्साइटेड है मैम, बस लेडीज़ का वही ज्वेलरी, अपने ड्रेसेस, अपने कॉस्ट्यूम्स को लेके सब लोग बहुत तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। आपका नाम? भावना। मैम, आपको देख के पूरा लग रहा है, पूरे आप 2-2.5 घंटे आपने बिल्कुल जम के डांस करा है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, बहुत एक्साइटमेंट है इस इवेंट के लिए, तो हम चाह रहे थे कि आज वर्कशॉप ऐसे अटेंड करें कि उस दिन कुछ लगे कि हमने सीखा है, एंड इन लोगों ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया। सुजाता मैम आज खुद आई हैं, वेल नोन पर्सनैलिटी हैं हल्द्वानी की, तो काफ़ी अच्छा इन लोगों ने अरेंजमेंट करवाया हुआ है, हमें बहुत अच्छा लगा, और इवन आप लोग कवरेज कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी एक अच्छी चीज़ है, अदरवाइज जैसा देखा कम जाता है। थैंक टू यू ऑल्सो, उनको भी, कि हम सब लोग आ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, हमें दुनिया भी देखेगी, दैट्स वेरी नाइस मैम। जैसे मैम ने बोला कि ज्वेलरी कॉस्ट्यूम का बहुत झमेला होता है महिलाओं में, आपने अपनी सब चीज़ें तैयार कर ली हैं? बिल्कुल मैम, ऑलरेडी, बस हम डेट्स का वेट कर रहे हैं कि बस 6 तारीख आए और हम लोग जलवा दिखाएं। तो जिस तरह से ढोलीरा ऑर्गेनाइजर्स की तरफ इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करा गया है, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैम, उनको हम थैंक यू ही कहना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग वर्किंग हैं, और हल्द्वानी में ऐसा हमने कभी पहले एक्सपीरियंस किया नहीं है, फर्स्ट टाइम ही हम लोग अटेंड कर रहे हैं, तो हम लोगों के लिए बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस है, और सही है, हम अपने काम से इतना बोर हो जाते हैं तो कुछ अलग करने को मिल रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जेजेएन के बारे में क्या कहें? मैम, जेजेएन के लिए बहुत बहुत थैंक यू, आप कवर कर रहे हैं पूरे प्रोग्राम को, आई होप आप उस दिन भी कवर करेंगे, तो सभी दर्शकों से यही अपील है कि जेजेएन चैनल से जुड़े रहिए, सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी टाइम पे। थैंक यू सो मच। नमस्कार मैम। हाय, नमस्ते। आपका नाम? प्रीति भंडारी है। मैम, जिस तरह से आज ढोलीरा दीदा से वर्कशॉप यहाँ पे लगाई गई है, महिलाएं डांस करके बहुत एंजॉय कर रही हैं, आपने यहाँ पे प्रतिभाग किया है, कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि डोलीडा टीम ने ये टीम ऑर्गेनाइज किया हुआ है ये इवेंट, एंड उससे हमें वर्कशॉप के टाइम में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि एक्चुअली में डांस स्टेप्स कैसे होते हैं, एंड अपने ट्रेडिशन वैल्यूज़ के बारे में भी अच्छा लगता है। काफ़ी सारी लेडीज़ यहाँ पे आई हैं, हर प्रकार की लेडीज़ आई हैं, हर एज ग्रुप की आई हैं, इनफैक्ट यंग से लेके ओल्ड, अच्छे खासे ओल्ड लोग भी आए हैं। बट बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि यार बताओ एवरीबडी सो एंथुजियास्टिक अबाउट इट, सो बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से ऑर्गेनाइजर्स ने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करा है पूरा इवेंट को, आने वाले समय में भी इस तरह के इवेंट होने वाले हैं, उनको क्या मैसेज देंगे और इस इवेंट को देख के कैसा लग रहा है? बिल्कुल, आने वाले टाइम में भी हम कहते हैं ऐसा होता रहे ताकि हम भी फिजिकली फिट हो सके और भी ज़्यादा ऐसे इवेंट्स के, उससे एक अच्छा लगता है नो, आप अपने ट्रेडिशनल वेयर पहन सकते हैं। एंड ऑर्गेनाइज को मैं ये कहूँगी कि आप प्लीज़ ऐसे ऑर्गेनाइज करवाते रहिए, एंड इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द हल्द्वानी लेडीज़ टू अटेंड। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हर एज कैटेगरी की महिलाएं यहाँ पे आज मौजूद हैं, किस तरह ये अलग अलग कैटेगरी की महिलाओं को देखकर कितनी खुशी होती है कि महिलाएं बाहर आ रही हैं और हर एज कैटेगरी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी। इनफैक्ट आप लगाइए ये इवनिंग टाइम है, मतलब ये प्राइम टाइम होता है जब यू नो लेडीज़ सोचते हैं कि यार हम अपने घर पे रहे हैं, बहुत कुछ होता है, फैमिली टाइम है, बट इस टाइम में लेडीज़ अपने के लिए बाहर निकाल के आ रही हैं, यहाँ पे इतनी देर डांस कर रहे हैं, जैसे कि देख रहे हैं आप बिल्कुल हम स्वेटिंग हो चुके हैं, हम 2.5 आवर्स से बिल्कुल कंटिन्यूसली डांस कर रहे हैं, ना सारे दिन भर से था नहीं यार आज हम अपने के लिए टाइम निकालने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। एंड आज हम अपने हस्बैंड को कह के आए हैं देखो यार आज संभाल लेना, आज और उस दिन संभाल लेना, हमें जाना है, तो इट्स अ वेरी नाइस। लास्ट सवाल लूँगी मैम, जेजेएन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत ही अच्छी, आप लोग बहुत ही अच्छा चैनल हैं जो यू नो लाइक ऐसे इवेंट्स आप कवर अप कर रहे हैं, एंड ऐसे आपके थ्रू और भी लोगों को मालूम चल रहा है इस बारे में, जिन लोगों को नहीं मालूम चल रहा है, जिनके पास में डिजिटल सोशल मीडिया का इतना यू नो ऐसे नहीं है, कनेक्शन नहीं है, बट आपके लोगों के थ्रू दे कैन कम टू नो दैट यू नो दिस इज़ अ वेरी नाइस फंक्शन गोइंग ऑन, एंड हर किसी टाइप की लेडीज़ को अटेंड करना चाहिए जो कि आप न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं, एंड इट इज़ रियली अ गुड कॉज। नमस्कार मैम। नमस्ते, आपका नाम? सुजाता महेश्वरी। मैम जिस तरह से आज वर्कशॉप आपने लगाई है, महिलाएं आज जमकर यहाँ पर आज महिलाओं ने डांस करा है, महिलाओं को देखकर आपको कैसा लगा? बड़ा अच्छा सा लगता है क्योंकि महिलाओं के ऊपर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है घर की, है ना, सुबह के टाइम में आप अपने लिए समय ने निकाल के भाई हस्बैंड को भी देखना, बच्चों को देखना, जिसके इन लॉज हो उनको इन लॉज को भी देखना है, तो सबको देखते देखते वो खुद को भूल जाती है। तो इस तरह के ढोलीडा जैसे कार्यक्रम जब होते हैं ना, लेडीज़ घर से निकलती है, और इस समय जैसे मैंने 2 घंटे का वर्कशॉप लिया डांस का, मैं 2 घंटे नाची हूँ, देखिए पसीने से भी मैं पूरी लथपथ हो रखी हूँ, लेडीज़ भी हो रखी है, खूब नाची है। डांस जो है आपको मेंटली, फिजिकली और सोशली तीन चीज़ से फिट रखता है। मेंटली फिट रखता कि आप जब नाच रहे हो ना आप भूल जाते हो कि आप कौन हैं, आपके टेंशंस ख़त्म होते हैं। फिजिकली तो नेचुरली एक्सरसाइज है तो मसल्स बिल्ड भी होती अच्छी होती है और बॉडी टोन रहती है, और सोशली अच्छा है। देखिए यहाँ पे आई कितनी सारी महिला अलग अलग आई पर एक दूसरे से जुड़ी, बातचीत करी, जो जिसके साथ दोस्ती हुई दोस्त, तो इस तरह डांस जो है फिजिकली, मेंटली, सोशली तीनों को। ऑर्गेनाइजर्स ने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करा है, उनको क्या कहना चाहेंगे? ओ अपने सुरभि और विभा हर साल करती है और इनकी साथ मैं हमेशा ही जुड़ी रहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हमेशा मैं ही जुड़ी रहूँ, थोड़ी सेल्फिश हो रही हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आता है इन सब कामों में, और दोनों बहुत मेहनत करती, बहुत मेहनत, मैं देखती हूँ ग्रुप बना रखा, डेली कुछ ना कुछ डालती है, शुरुआत में बहुत कम लोग थे, अब धीरे धीरे जुड़ते गए, इस साल तो मैंने सुना 350+ लेडीज़ का एंट्री हो चुकी है इनकी, तो अच्छा काम कर रही हैं, लेडीज़ को निकाल रही है, खुशियाँ दे रही हैं, यही तो चाहिए। नमस्कार मैम। नमस्ते, आपका नाम? पूजा अग्रवाल। कैसा लग रहा है मैम आज वर्कशॉप में आए हैं, पूरी महिलाएं एंथुजियास्टिक दिख रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सुपर फंटेस्टिक, एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं यहाँ पे आकर, और बहुत ढोलीडा के लिए एक्साइटेड है और उसकी प्रैक्टिस करने आए हैं, और शरीर फुल गया है, फुल एनर्जी है। अच्छा, रात हो गई है, घर जाने की चिंता है? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जाना पड़ रहा है, मजबूरी है, वर्कशॉप ओवर हो गई इसलिए। चलिए मैम, जेजेएन के बारे में क्या कहेंगे, कैसा काम कर रहा है? जेजेएन बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारे हर प्रोग्राम में आते हैं, आपकी कवरेज लेते हैं हमारे प्रोग्राम की, और पूरा कवरेज फंटेस्टिक सुपर होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम आप ही को ही बुलाते हैं हर बार। नमस्कार मैम। हेलो मैम, नमस्कार, मेरा नाम रेखा गोयल है। अच्छा मैम, मैं देख पा रही हूँ आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल हाथ में ले लिए, थक गए? एक्चुअली मैं तो नहीं थकी, बाकी लोग थक गए तो सोच रहे हैं कि जल नहीं है तो फिर हाँ सबको पिला दूँ। ये विवाह और सुरभि मैम ने ऑर्गेनाइज किया है तो उन्हीं की तरफ से ही है। तो कैसा लगा जब
वर्कशॉप अटेंड करके? बहुत, एक्चुअली सुबह से शेड्यूल इतना व्यस्त था, लेकिन यहाँ आने की इतनी वो थी एक्सीडेंट कि हम लोग कहाँ से बरेली गए थे वहाँ से वापस आए और आके 3 बजे तक पहुँची और 4 बजे तक यहाँ पहुँची। कितनी देर से आप डांस करते? 2 घंटा हो गया। 2 घंटा? हाँ हाँ। थकान तो हो रही है, बट ये है कि जब मैं सुजाता मैम को देखती हूँ तो लगता नहीं है कि हम थक रहे हैं, एनर्जी आ जाता है। नमस्कार, मेरा नाम शिल्पा है और मुझे इस प्रोग्राम के लिए मतलब शुरू से एक्साइटेड रहा है और जब भी ये प्रोग्राम होता है ना हम इसके लिए इतनी तैयारियाँ करते हैं, मतलब ड्रेस, ज्वेलरी, मतलब हर चीज़ के लिए हम लोग इतने एक्साइटेड रहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। ये हर साल प्रोग्राम होता है और इसको हम लोग फुल्ली इंजॉय करते हैं। बहुत टेंशन है ड्रेस और ज्वेलरी को लेके, क्योंकि पिछले बार भी हम डोलीरा एंजॉय की, अब लगता है कि ड्रेस पुराना हो चुका है, फिर नया ड्रेस, नई ज्वेलरी, नया मेकअप, क्या लुक दे के सारे प्राइज हम ही जीत के ले जाए। वैसे एक ही जो इवेंट स्टार्ट हुआ है बीरा एंड सुरभि ने हल्द्वानी में नाम कर दिया है, हम लोग इस प्रोग्राम का आने का वेट करते हैं कि प्रोग्राम आए और हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। तो साल भर में एक बार होता है ये प्रोग्राम, आप क्या चाहते हैं कि साल में कितनी बार इस तरह के महिलाओं के लिए प्रोग्राम होने चाहिए? होने चाहिए, क्योंकि एक्चुअली हम लोग घर के काम काज में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम लोग इसके लिए अपने लिए स्पेशली टाइम निकालते हैं और हमें लगता है आज भी हम लोग इतने बिजी थे, सैटरडे था, घर में सारे लोग हैं, लेकिन हमें लगता है नहीं, हमें अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए और ये हम हर महिला हर लड़की के लिए कहेंगे कि अपने लिए टाइम निकालो और इंजॉय करो। चलिए मैम, जेजेएन जिस तरह से हर अपडेट आपके बीच पहुँचाता है, जेजेएन के बारे में क्या कहें? बहुत अच्छा लगता है जब हम इसकी न्यूज़ सुनते हैं, अपडेट सुनते हैं, लगता है कि हाँ हल्द्वानी में एक नाम हो रहा है। तो सब्सक्राइब करो तुरंत। या बिल्कुल, आज ही जाके हम जेजेएन को सब्सक्राइब करते हैं। बिल्कुल। हाय मैम। हेलो, आपका नाम? रचना अग्रवाल। मैम, वर्कशॉप हो गई है, डांस महिलाओं ने कर दिया है, कैसा लगा, कितना इंजॉय करा? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं हम सब, क्योंकि ये प्रोग्राम मतलब इतना अच्छा है कि जिसका मन नहीं भी होगा इसे ज्वाइन करने का, वो इतना एडवर्टाइजमेंट इतना अच्छा लगता है कि वो कर ही लेता है लास्ट में, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लगता है। आज लगभग 2 घंटे से आप लोगों ने डांस करा है, थकान हुई है? बिल्कुल थकान नहीं है और ज़्यादा मन कर रहा है कि और ज़्यादा डांस करें। डोलीरा के लिए कितने एक्साइटेड हैं? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, 100% एक्साइटमेंट है। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से आज डोलीरा इवेंट को लेकर वर्कशॉप आज यहाँ पे आयोजित की गई, महिलाओं ने डांस करकर काफ़ी इंजॉय किया, महिलाओं से हमने बात करी, साथ ही ऑर्गेनाइजर्स से हमने बात करी जिन्होंने हमें बताया कि आज क्या कुछ खास रहा और आने वाले दिनों में जब डोलीरा इवेंट होगा उसमें क्या कुछ खास रहने वाला है। आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ, डोलीरा इवेंट को लेकर भी हम आपके बीच ज़रूर आएंगे। फिलहाल इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही, मैं निशा अपने सहयोगी गणेश के साथ, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी, नमस्कार।